गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फरहाना फ्रॉम मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल, मंडावर रोड, बसी, किरतपुर। आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस, स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश ग्रामर। दिस इज द कॉन्टेंट एंड देर आर 22 चैप्टर्स इन योर बुक। वी विल स्टार्ट चैप्टर 1, सेंटेंस। चैप्टर 1 इज सेंटेंस। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिना सेंटेंस के हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रामेटिकल यूनिट मेड अप of a group of words that makes complete sense by itself। सेंटेंस वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स के ग्रुप को जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज दिस। यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट वी कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट गिविंग अस अ कंप्लीट मीनिंग। इफ वी राइट दिस, दिस इज अ बॉय। अब आप देखेंगे कि इट दिस इज अ बॉय, अब ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। एंड दिस इज नॉट अ सेंटेंस एंड दिस इज अ सेंटेंस। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। हमें क्या करना है, हमें इसमें से सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है और जो सेंटेंसेस नहीं है वहां पर हम क्रॉस यूज करेंगे। We are happy to receive you as our guest. So this is a sentence. Why? Because it is giving us a complete meaning. So we write sentence here. Now number 2. Knowing completely well the consequences. This is not a sentence. Why? Because there is no subject. किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट होने में सब्जेक्ट का बहुत अहम रोल है। तो विदाउट सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ सेंटेंस। नंबर 3, इन अ नटशेल, इट इज़ आल्सो नॉट गिविंग अस द कंप्लीट मीनिंग। सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। इसके सामने भी हम क्या करेंगे, क्रॉस। नंबर 4, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द मेडिकल रेस्क्यू टीम, इट इज गिविंग अस द कंप्लीट मीनिंग। सो वी राइट सेंटेंस हियर। नंबर 5, ग्लैड टू सी यू, इट इज ऑल्सो अ कंप्लीट मीनिंग, इट हैज ऑल्सो अ कंप्लीट मीनिंग। सो वी राइट सेंटेंस हियर। नंबर 6, माई फ्लाइट अराइव जस्ट नाउ, इट इज ऑल्सो गिविंग अस द कंप्लीट मीनिंग। सो दिस इज अ सेंटेंस एंड वी हैव टू राइट द सेंटेंस हेयर। नंबर 7, सेवरल आवर्स बिहाइंड शेड्यूल, इट इज नॉट गिविंग अस द कंप्लीट मीनिंग। सो दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ सेंटेंस। You have to write this exercise in your notebook, okay? Now we see parts of a sentence. किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इज प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग
we are talking about is called the subject. The subject usually comes at the beginning of the sentence. किसी भी sentence में किसके बारे में बात हो रही है वो हमारा subject होता है. किसी भी sentence में जिसके बारे में बात होती है वो हमारा subject होता है. और mostly sentences में जो subject है वो सबसे पहले आता है. Now, number next. Predicate. The definition of the predicate. The part which tells us more about the person or thing or what they do forms the predicate of a sentence. The verb is always a part of the predicate. Subject के बारे में और ज़्यादा जानकारी predicate कहलाती है. Predicate verb. Verb जो है वो भी predicate का ही एक part होती है. For example, he laughed. तो laughed is a verb, so it is also a part of predicate. And he हंसा, कौन हंसा? He. So he is a subject. Number two, I bought a book. तो यहाँ पर book किसने खरीदी? I. So I is a subject and bought a book is a predicate. Bought is a verb. It is also part of predicate. Next, the predicate can also be made of a complement. For example, अभी is a musician. अभी कौन है? एक musician है. तो अभी, अभी is a subject and is a musician is predicate. Okay? You have to practice these type of sentences. Now, we come to the exercise. Underline the subject and encircle the predicate in the sentence below. हमें जो भी sentences दिए हैं, उन सभी sentences में हमें subject को underline करना है और predicate को circle करना है. Number one, destruction of trees. As you can see, destruction of trees. This is the subject. तो subject को हमने क्या किया? Underline. और causes global warming. This is a predicate. यहाँ पर हमने इसको क्या किया? Circle किया. Number two, rainfall is essential for a good harvest. यहाँ पर rainfall is a subject. So इसको हमने underline किया. And is essential for a good harvest. इसको हमने circle किया. क्यों? क्योंकि ये predicate है. Rainfall को underline किया. Trees, trees को underline. क्योंकि trees is a subject and provide shelter and food to various animals is a predicate. We subject cannot produce food to feed ourselves is a predicate. We must plant and nurture at least one tree every year. We is a subject and this is a part of predicate. Number six, we is a subject and need to take care of our environment is predicate. Number seven, trees subject and are preserving the ecological balances predicate. Plants subject help us maintain a proper balance of oxygen supply in the atmosphere is predicate. I will send you the pictures of this exercise and you have to write this exercise in your notebook. Now the class is completed and we will learn more about the sentence in our next class. So take care and goodbye.